नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के बीड में कोविड 19 से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शव को एक ही एम्बुलेंस में भरकर शमशान ले जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस की कमी को इसका एक कारण बताया है। घटना रविवार को हुई, जब बीड के अंबाजोगाई में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज में शव गृह में रहे शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। मेडिकल ने तीन डॉक्टर शिवाजी शुक्रे ने मंगलवार को पीटीआई भाषा से कहा, अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले साल कोविड 19 के पहले दौर में 5 एम्बुलेंस थी, उसमें से 3 को बाद में वापस ले लिया गया और अब अस्पताल में 2 एम्बुलेंस में कोविड 19 रोगियों को लाया तथा ले जाया जाता है। अधिकारी ने कहा, कभी कभी मृतकों के संबंधियों को ढूंढने में समय लग जाता है। लोखंडी सवार गांव के कोविड 19 केंद्र में भी शवों को हमारे अस्पताल में भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 3 और एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए 17 मार्च को जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा, अव्यवस्था से बचने के लिए हमने अंबाजोगाई नगर परिषद को पत्र लिखा था कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अंतिम संस्कार कराए जाए और अस्पताल वार्ड से ही शवों को शमशान भेजा जाए। साबले ने कहा, हमारी टीमें शमशान में अंतिम संस्कार कर रही है। सोमवार को इस मुद्दे पर एक बैठक हुई थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज ने डीन ने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस नहीं है। अगर यही समस्या है तो क्या उन्होंने अपने तंत्र की समीक्षा नहीं की? उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया? नगर परिषद के अध्यक्ष राजकिशोर उर्फ पापा मोदी ने भी घटना को लेकर चिंता प्रकट की और कहा कि उसी दिन एक और एम्बुलेंस में 8 शवों को शमशान ले जाया गया। उन्होंने कहा, हम मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस मुहैया करा रहे हैं, 2 अन्य एम्बुलेंस जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी।